हेलो एवरीवन, सो टुडे द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज प्रोसीजर ऑन आईएम इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, पहले भी हमने ये टॉपिक किया है बट प्रोसीजर के स्टेप्स हमने अभी डिस्कस नहीं करे थे. सो डेमोन्स्ट्रेशन वी विल डू वंस द कॉलेज इज़ री ओपन. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन हम कर लेंगे बट फॉर दैट वाइल हम आपको स्टेप्स बता देंगे आज कि कौन कौन से स्टेप्स जो है आपने फॉलो करने हैं वाइल गिविंग आईएम इंजेक्शन टू अ client, right? So let's start with the topic. First of all comes IM injection sites. ठीक है, मैंने आपको पहले भी अभी एक क्लास लिया था पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट वन में. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द IM injection sites. ठीक है, IM injection site की आपको चार sites बताई थी, dorsogluteal, ventrogluteal, deltoid. ठीक है, बताया था ना आपको ये सब, और वेस्टस लिटरलिस, ये चार साइट्स आपको बताई गई थी. ठीक है, तो हमने डिस्कस करना है आज कि हमने आईएम इंजेक्शन इन पर्टिकुलर साइट्स पे एडमिनिस्टर किस तरह से करना है. ठीक है, सो द आईएम इंट्रामस्कुलर, आईएम स्टैंड्स फॉर इंट्रामस्कुलर साइट, इज यूज फॉर मेडिकेशंस दैट रिक्वायर अ क्विक अब्सॉर्प्शन रेट बट ऑल्सो अ रीजनेबली प्रोलॉन्ग एक्शन. हम यहाँ पे वो वाली मेडिसिन लगाएंगे इंट्रामस्कुलरली जो उनका अब्सॉर्प्शन रेट जो है वो हमें ज़्यादा चाहिए. ठीक है, ज़्यादा होता है जिसका एब्जॉर्प्शन रेट, प्लस जो कि प्रोलॉन्ग ज़्यादा समय तक अपना एक्शन जो है वो दिखाए. सो ड्यू टू देयर रिच ब्लड सप्लाई इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट्स कैन एब्जॉर्ब लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच मींस अ रेंज ऑफ मेडिकेशन सच एज सेडेटिव, एंटीमेटिक्स, हार्मोनल थेरेपी, एनाल्जेसिक्स एंड इम्यूनाइजेशन कैन बी एडमिनिस्टर्ड इंट्रामस्कुलरली इन दिस पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, तो क्योंकि ज़्यादा ब्लड सप्लाई यहाँ पर होती है तो हम ज़्यादा अमाउंट का जो वो है ड्रग है वो इसमें लगा सकते हैं इस पर्टिकुलर साइट पे. तो इसीलिए हम यहाँ पे सेडेटिव्स लगाते हैं, एंटीमेटिक्स लगाते हैं. ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ चुके हैं क्लास में. ठीक है, सेडेटिव्स क्या होते हैं, एंटीमेटिक्स क्या होते हैं, देन एनाल्जेसिक्स भी दे सकते हैं और इम्यूनाइजेशन वाली जो ड्रग्स हैं, वैक्सीनेशन हैं, वो भी हम इस साइट पर दे सकते हैं. द टेक्निक ऑफ आईएम इंजेक्शन हैज़ चेंज्ड ओवर द पास्ट ईयर्स ड्यू टू एविडेंस बेस्ड रिसर्च एंड चेंजेस इन द इक्विपमेंट अवेलेबल फॉर द प्रोसीजर. ठीक है, तो टाइम टू टाइम जो टेक्निक है आईएम इंजेक्शन देने की वो चेंज होती जाती है. ठीक है, ड्यू टू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस. ठीक है, देन एन आईएम साइट इज चूजन बेस्ड ऑन द एज एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट. किस आईएम साइट पे, हमने आपको चार साइट्स बताई हैं, उन चार साइट्स में से तीन हम यूज़ करते हैं. डॉर्सोग्लूटियल साइट अब हम यूज़ नहीं करते इंजेक्शन देने के लिए क्योंकि उससे शियाटिक जो नर्व होती है जो कि लोअर बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करती है वो इंजर होने के चांसेस होते हैं, जिससे पेशेंट को पैरालिसिस हो सकता है. तो हम डॉर्सोग्लूटियल अब यूज़ नहीं करते. तो जो तीन साइट्स हमारे पास बची हैं, ठीक है, वो हम चूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट की एज, उसकी कंडीशन. ठीक है, कौन सी मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है उसके ऊपर हम डिपेंड करता है कि कौन सी मेडिसिन हम कौन से एरिया में देंगे. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट. देन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मस्ट बी डन केयरफुली टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस. ठीक है, आराम से देना है, बहुत टेक्निक के साथ ये देना होता है. ठीक है, जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस अराइज नहीं होंगी. कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी अराइज हो सकती हैं अदरवाइज, जैसे कि मसल एट्रोफी पेशेंट को हो सकती है, पेशेंट की बोन में इंजरी हो सकती है, सेलुलाइटिस हो सकता है, स्प्राइल एप्सिस भी फॉर्म हो सकता है, पेन हो सकती है पेशेंट को और नर्व इंजरी हो सकती है. ठीक है, देन साइट्स फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इंक्लूड द वेंट्रोग्लूटियल, वेस्टस लेटरलिस एंड द डेल्टोइड साइट. ठीक है, वेंट्रोग्लूटियल में हम दे सकते हैं, वेस्टस लेटरलिस में दे सकते हैं, डेल्टोइड साइट में दे सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो आपको डॉर्सोग्लूटियल हमने बताई है साइट आपको पता होनी चाहिए, लेकिन डॉर्सोग्लूटियल अब हम यूज़ नहीं करते. ठीक है, सो सबसे अच्छी साइट कौन सी है इंजेक्शन देने के लिए, दैट इज़ वेंट्रोग्लूटियल साइट. ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे, सॉरी सब दैट पर्टिकुलर साइट इज़ फ्री फ्रॉम ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, तो इंजरी के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं. ठीक है, सो ये एंगल देना कितने एंगल्स पे है, इसमें इंजेक्शन 90 डिग्री एंगल्स पे देना है. ठीक है, आपको बताया था पेशेंट की बॉडी के साथ परपेंडिकुलर रखना है, 90 डिग्री एंगल पे हमें नीडल को जो है वो प्लेस करना होता है. ये आपको मैंने पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट वन में बताया है. ठीक है, अगर आपको भूल गया है तो यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो वंस अगेन, राइट. देन टेक्निक पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एस्पिरेशन क्या होता है. ठीक है, एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, पहले आप सिरिंज को पेशेंट के स्किन के अंदर एंटर करवाते हो, ठीक है, और मसल तक लेके जाते हो 90 डिग्री एंगल्स पे, फिर आप थोड़ा सा प्लंजर को पीछे पुश करते हो. ठीक है,
देखने के लिए कि अगर उसके अंदर ब्लड आता है, ब्लड आएगा तो दैट मीन्स कि आपने कोई ब्लड वेसल या जो है वो पंचर कर दी है, ठीक है, तो दैट इंडिकेट्स कि वहाँ पे आपने जो है इंजेक्शन नहीं देना है, ठीक है. सो एस्पिरेशन रेफर्स टू द एक्शन ऑफ पुलिंग बैक ऑन द प्लंजर फॉर 5 seconds प्रायर टू द इंजेक्टिंग मेडिकेशन, ठीक है. सो लैक ऑफ ब्लड इन द सिरिंज कन्फर्म्स दैट द नीडल इज इन द मसल एंड नॉट इन द ब्लड वेसल. तो अगर उसमें से ब्लड नहीं आता, सिरिंज के अंदर ब्लड नहीं आएगा, दैट मीन्स कि वो सही जगह और आप वहाँ पे इंजेक्शन दे सकते हो, ठीक है. देन इसमें एक चीज़ आती है इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ जेड ट्रैक मेथड. जब भी आई एम इंजेक्शन की बात आएगी तो जेड ट्रैक मेथड का बात आती है, ठीक है. सो जेड ट्रैक मेथड जो होता है इज अ मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एन आई एम इंजेक्शन दैट प्रिवेंट्स द मेडिकेशन बींग ट्रैक थ्रू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, सीलिंग द मेडिकेशन इन द मसल एंड मिनिमाइजिंग इरिटेशन फ्रॉम द मेडिकेशन, ठीक है. जेड ट्रैक मेथड हम आई एम इंजेक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है. इससे क्या होता है, जो मेडिसिन होती है, ठीक है, वो मसल लेयर में ही रहती है, मसल लेयर से वो ऊपर नहीं आती सबक्यूटेनियस लेयर में, ठीक है. इसलिए हम जेड ट्रैक मेथड का जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है. और इस टेक्निक से अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, तो इरिटेशन होने के चांसेस बहुत कम है जो कि मेडिकेशन से पेशेंट को हो सकते हैं, ठीक है. एंड यूजिंग द जेड ट्रैक टेक्निक द स्किन इज पुल्ड लेटरली अवे फ्रॉम द इंजेक्शन साइड. ये भी आपको बताऊंगी पिक्चर में किस तरह से आपने लगाना है. अच्छा, एक बात याद रखनी है, जहाँ हमने एस्पिरेशन की बात करी है, एस्पिरेशन हमने करनी है सभी मेडिकेशंस देते हुए वाइल वी आर एडमिनिस्ट्रिंग आई एम इंजेक्शन, ठीक है. ब्लड नहीं आना चाहिए सिरिंज में, अगर ब्लड आया दैट मीन्स कि आपने ब्लड वेसल को इंजर कर दिया, ठीक है. तो एस्पिरेशन सिर्फ किस केस में नहीं करना, अगर आप उस आई एम रूट से वैक्सीनेशन दे रहे हो या इम्यूनाइजेशन दे रहे हो, तब आप एस्पिरेट नहीं करोगे, ठीक है. ये रूल याद रखना हमेशा, ठीक है. देन कम्स इंट्रा मस्कुलर साइट, आपको बता दी गई है पहले, वेंट्रोग्लूटियल साइट है, ठीक है. वेंट्रोग्लूटियल साइट इस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है, ठीक है. एक फिंगर जो है आपने यहाँ प्लेस करनी है, ठीक है. ये कौन सी एक जगह है, वन सेकेंड, दिस इज द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है. एक फिंगर आपने यहाँ रखनी है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे, दूसरी आपने इलियक क्रेस्ट पे रखनी है. इलियक क्रेस्ट पता है ना, वो वाला पार्ट है जब हम सीधे खड़े होते हैं, हम अपना हाथ रख के खड़े होते हैं ना वेस्ट के ऊपर, ठीक है. तो वो जो प्रोजेक्टेड पॉइंट है दैट इज इलियक क्रेस्ट, ठीक है. तो हाँ जी, इस तरह से आपने प्लेस करना है, ठीक है. और एक सेकेंड, राइट. सो दिस इज़ द साइट फॉर गिविंग द इंजेक्शन, ठीक है. कैसे कैसे, एक आपने फिंगर रखना है अपना ये इंटीरियर सुपीरियर के लिए स्पाइन पे, दूसरा फिंगर रखना है आपने इलियक क्रेस्ट के ऊपर, और जो बीच में ये वी बनता है, दिस वी, इस वी के बीच का जो एरिया है, दिस इज द साइट वी आर यूजिंग फॉर दिस इंजेक्शन, ठीक है. वेंट्रोग्लूटियल साइट के लिए है ये, ओके. देन नेक्स्ट कम्स, ये वेंट्रोग्लूटियल साइट थी बच्चे. देन नेक्स्ट कम्स, एक सेकेंड, ये नीचे नहीं जा रहा है अभी, बंद हो गया. देन कम्स वेस्टर्स लेटरलिस साइट, ठीक है. वेस्टर्स लेटरलिस साइट जो है ज़्यादातर हम किस में यूज़ करते हैं, ये हम बच्चों में यूज़ करते हैं, ये छोटे बच्चों में, ठीक है. वेस्टर्स लेटरलिस साइट, ठीक है, ये है, ये वाली साइट है, मार्क करके बताती हूँ मैं आपको. This is the vastus lateralis site. This site is the vastus lateralis site, ठीक है. Outer middle third of the thigh, ठीक है. Thigh का बाहर वाला हिस्सा, outer middle third, मतलब thigh को हमने तीन parts में divide कर लेना. ये thigh जैसे start हो गया हमारा, तीन parts में हमने इसको divide कर लिया. ये first part हो गया, ये second और ये third. तो बाहर वाला, बीच वाला part है जो, ठीक है, that is the vastus lateralis साइट फॉर गिविंग आई एम इंजेक्शन, ठीक है. लेट मी रिमूव दिस एनोवेशन, ठीक है. देन नेक्स्ट कम्स डेल्टोइड मसल, ठीक है. डेल्टोइड मसल होता है ये वाला एरिया है, ठीक है. ये भी आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ है, वैसे फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ. ये देखिए, ये है
आपने क्या करना है, अपनी दो फिंगर्स जो हैं यहाँ पे प्लेस करनी है एक्रोमियन प्रोसेस पे, दो फिंगर्स के नीचे जो वी बनता है, ये ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, दिस इज़ द एरिया फॉर गिविंग दिस आई एम इंजेक्शन, दैट इज़ डेल्टॉइड मसल में जो हम देते हैं, ठीक है। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग वन सेकेंड, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी दो फिंगर्स जो हैं वो प्लेस करनी है, और दो फिंगर्स के नीचे वाला जो एरिया है ग्रीन पोर्शन, दिस इज़ द एरिया फॉर गिविंग दिस इंजेक्शन, ठीक है, ये डेल्टॉइड मसल है और इंजेक्शन एरिया ये वाला है ग्रीन वाला, ठीक है, इसके अंदर आप आई एम इंजेक्शन जो है वो दे सकते हैं, राइट। तो तीन साइड्स हैं आपकी ये मेन, सो यहाँ पे पिक्चर में भी बना हुआ है, यहाँ पे भी क्लियरली देख सकते हैं आप, ठीक है। देन स्पेशल कंसिडरेशंस वाइल गिविंग आई एम इंजेक्शन, सो अवॉइड मसल्स दैट आर इमेसिएटेड और एट्रोफाइड, दे विल अब्जॉर्ब मेडिकेशन पुअरली, ठीक है। वो मसल जो इमेसिएटेड है या जहाँ पे कोई इंजरी है ना, वहाँ पे हमने जो है वो नहीं देनी है, क्योंकि वहाँ पे मेडिकेशन अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होगी। देन है आई एम इंजेक्शन साइट शुड बी रोटेटेड टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपरट्रॉफी, ठीक है। ऐसा नहीं है बार बार एक ही जगह पे आप देते जा रहे हो इंजेक्शन, जगह चेंज कर करके जो है वो इंजेक्शन देनी है। सपोज एक बार राइट पटक पे दे दिया, अगली बार ही लेफ्ट पटक पे देनी है, ठीक है, या फिर डेल्टॉइड मसल पे दे सकते हो अगली बार। देन ओल्डर एडल्ट्स एंड थिन पेशेंट में ओनली टॉलरेट अप टू 2 ml इन अ सिंगल इंजेक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो थिन पेशेंट है, जो पतले हैं पेशेंट्स या जो ज़्यादा एज के हैं, ठीक है, उनके अंदर 2 ml से ज़्यादा एक टाइम पे इंजेक्ट नहीं करना है ड्रग। देन चूज अ साइट दैट इज़ फ्री फ्रॉम पेन, इन्फेक्शन, एब्रेजन्स एंड नेक्रोसिस, तो एक क्लियर साइट जो है वो लेनी है। देन द डॉर्सो ग्लूटियल साइट शुड बी अवॉइडेड फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ये बताया ना आपको, डॉर्सो ग्लूटियल साइट की हमने नहीं लेनी है, इससे क्या शियाटिक नर्व इंजरी जो है वो हो सकती है। डॉर्सो ग्लूटियल मैंने आपको पार्ट वन में बताया था कहाँ पे होती है, सो इफ यू आर नॉट रिमेम्बरिंग द सेम यू कैन गो थ्रू दैट सेम विद यू, राइट। देन आ गया प्रोसीजर, ठीक है, आई एम एडमिनिस्ट्रिंग एंड आई एम इंजेक्शन, सबसे पहले आता है आपका सेफ्टी कंसिडरेशन, सो इन्श्योर द पेशेंट पोजिशन फॉर इंजेक्शन इज़ नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बाई अ मेडिकल कंडीशन, ठीक है, मतलब इन्श्योर करना है कि पेशेंट आई एम इंजेक्शन के लिए कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन वहाँ पर मौजूद नहीं है, जैसे कि पेशेंट की कोई सर्जरी नहीं हुई है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो आप अगर हुई होगी तो आपने नहीं देना। देन ऑलवेज वी आर ग्लव्स टू एडमिनिस्टर इंजेक्शन, ठीक है, आपने हमेशा इंजेक्शन से पहले ग्लव्स जो है वो पहनने ही पहनने हैं, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर। इफ़ रिक्वायर्ड बाय एजेंसी पॉलिसी, ठीक है, एस्पिरेट फॉर ब्लड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रिंग एन आई एम मेडिकेशन, ये आपको बताया है कि जब भी आपने आई एम इंजेक्शन देना है तो पहले आपने एस्पिरेट करना है थोड़ा सा, ठीक है, 5 seconds के लिए, इंजेक्शन देने से पहले 5 seconds पहले आपने उसको एस्पिरेट करना है कि जहाँ पर आपने निडल डाली है वो सही जगह पर है ना, मसल के अंदर, ये ऐसा तो नहीं कि कहीं वो ब्लड वेसल के अंदर है। देन अपॉन इंजेक्शन इफ अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ रेडिएटिंग पेन और अ बर्निंग और अ टिंगलिंग सेंसेशन, रिमूव द निडल एंड डिस्कार्ड, ठीक है, ठीक है, जैसे ही आपने इंजेक्शन जो है वो इंसर्ट किया और पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है कि उसको पेन हो रही है या बर्निंग सेंसेशन है वहाँ पे, तो आपने निडल को इमीडिएटली रिमूव करके डिस्कार्ड कर देना है। देन टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू अवॉइड इंटरप्शन एंड डिस्ट्रैक्शन व्हेन प्रिपेयरिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, ठीक है, ड्रग प्रिपेयर कर रहे हो या इंजेक्शन लगा रहे हो तो किसी भी तरह की कॉन्वर्सेशन में नहीं रहना। If a patient expresses concern or questions the medication, always stop and explore the patient's concern by verifying the order, right? Then comes the, हाँ ये important है last point, never recap needles after giving an injection, ठीक है, injection देने के बाद needle को recap नहीं करना, apply the safety shield and dispose in the closest sharp containers, ठीक है, सेफ्टी शील्ड आपने जो है वो लगानी है, ठीक है, एंड डिस्पोज करना है क्लोजेट शार्प कंटेनर के अंदर निडल को इमीडिएटली, ठीक है, ताकि आप उससे फिर इंजरी ना कर लो खुद को, राइट। देन है स्टेप्स, सबसे पहले है परफॉर्म हैंड हाइजीन, ठीक है, हैंड वॉशिंग इज मस्ट। देन सेकंड है कंपेयर करना है आपने मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड जो है उसके साथ, इसको कंपेयर करना है, ठीक है, पेशेंट के रिस्ट बैंड को, ठीक है, कैसे करोगे आप, पेशेंट के दो आइडेंटिफायर्स होते हैं, पहले के लेक्चर्स में भी बताया है आपको, उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका नेम।
देन थर्ड स्टेप है असेस द पेशेंट सिम्टम नॉलेज ऑफ द मेडिकेशन टू बी रिसीव हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज ड्रग एलर्जीज एंड टाइप्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। पेशेंट से आपने पूरी हिस्ट्री लेनी कलेक्ट करनी है, ठीक है, और उसका वाइटल साइन डेटा लेना है, ठीक है, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और पल्स रेट, हार्ट रेट सब आएगा, ठीक है, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट आएगा, राइट। और पेशेंट को बताना है कि वो मेडिसिन आप उसको क्यों लगा रहे हो, अगर उसको नहीं पता है, और पेशेंट से कलेक्ट करनी है कोई हिस्ट्री, ड्रग एलर्जी तो नहीं है उसको, वो भी आपने जानना है। ये प्री असेसमेंट में आते हैं स्टेप्स आपके। देन स्टेप नंबर 4 है असेस फॉर एनी फैक्टर्स दैट मे कॉन्ट्रा इंडिकेट एन IM इंजेक्शन, ठीक है, वो वाले फैक्टर्स आपने फाइंड आउट करने हैं जिसमें कि मना है कि पेशेंट को IM इंजेक्शन नहीं दे सकते, जैसे कि सर्कुलेटरी शॉक में नहीं दे सकते हैं, सर्जरी में नहीं दे सकते हैं, या फिर मसल एट्रोफी में नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है प्रिपरेशन, सो वेरीफाई प्रैक्टिशनर्स ऑर्डर एंड MAR, ठीक है, जो मेडिकल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड है उसको डॉक्टर के ऑर्डर के साथ क्रॉस चेक करना है। देन रिव्यू द मेडिकेशन इंफॉर्मेशन, जो आपको पहले भी बताया गया है, ठीक है, कि मेडिकेशन इंफॉर्मेशन रिव्यू करनी है, जैसे कि पर्पस, एक्शन, साइड इफेक्ट, नॉर्मल डोज, रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ ऑनसेट, देन पीक एंड ड्यूरेशन एंड नर्सिंग इम्प्लीकेशन, सारी ड्रग के बारे में आपको पूरी नॉलेज जो है वो होनी चाहिए और उसको आपने रिव्यू करना है। देन असेंबल द सप्लाईज, ठीक है, क्या क्या सप्लाईज आपको चाहिए होंगी, मेडिकेशन चाहिए होगी, नॉन स्टेराइल ग्लव्स चाहिए होंगे, अल्कोहल स्वैप्स चाहिए होंगे, सिरिंज चाहिए होगी, निडल चाहिए होगी और शार्प कंटेनर चाहिए होगा जिसमें कि आप निडल को डिस्पोज ऑफ कर दोगे, ठीक है, इंजेक्शन लगाने के इमीडिएटली बाद। अगर उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी नहीं है कि शार्प कंटेनर साथ में अवेलेबल नहीं होता, तो आप उसको रीकैप करके ले जाओगे नर्सिंग स्टेशन पे, फिर वहां जाके आप उसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ करोगे, जैसे कि आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में बताया था कि शार्प्स को कैसे हमने डिस्कार्ड करना है। देन स्टेप नंबर 8, प्रिपेयर मेडिकेशन फ्रॉम एन एम्प्यूल और अ वाइल एज पर दी हॉस्पिटल पॉलिसी। ये पिक्चर आप देख रहे हो स्टेप नंबर 8 के सामने, ये आपको मैंने लेक्चर में बताया हुआ है कि कैसे आपने सिरिंज वाइल से या एम्प्यूल से सिरिंज को फिल करना है, ठीक है, तो दिस इज द सेम वे यू आर गोइंग टू फॉलो। देन नेवर लीव द मेडिकेशन अनसुपरवाइज्ड वंस प्रिपेयर्ड। सपोज आपने मेडिकेशन इंजेक्शन में फिल कर ली है लेकिन आप वहाँ पे आसपास नहीं हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मेडिसिन आपने प्रिपेयर कर ली, यू शुड ऑलवेज बी देयर विद द मेडिकेशन, ठीक है। देन आ गया प्रोसीजर, फिर अब प्रोसीजर आ गया आपका हैंड वॉशिंग, ठीक है, पेशेंट को देन प्राइवेसी प्रोवाइड करोगे, देन पेशेंट का जो आइडेंटिफायर है उसको आपने क्रॉस चेक करना है MAR के साथ, क्रॉस चेक करना है पेशेंट का रिस्ट बैंड, उसका नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उससे आपको कंफर्म होगा कि आप सही पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हो। देन स्टेप नंबर 13, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड द मेडिकेशन एंड गिव द पेशेंट टाइम टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, पेशेंट को प्रोसीजर पूरा एक्सप्लेन करना है और पेशेंट को टाइम देना है कि अगर उसे कोई डाउट है तो वो पहले क्लियर कर ले। देन डॉन नॉन स्टेराइल ग्लव्स, नॉन स्टेराइल ग्लव्स आपने पहनने हैं, ठीक है, और पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन देनी है एंड इंश्योर अ शार्प डिस्पोजल कंटेनर इज क्लोज बाय फॉर डिस्पोजल ऑफ निडल आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। और आपने इंश्योर करना है कि शार्प कंटेनर जो है वो पास में ही है जिसमें कि आप इंजेक्शन लगाने के बाद इमीडिएटली निडल को डिस्पोज ऑफ कर दोगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप रीकैप करके उसको नर्सिंग स्टेशन पे ले जाके फिर आप उसको डिस्पोज ऑफ करोगे, ठीक है। ये देखिए जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, ये डेल्टॉइड मसल के अंदर इंजेक्शन लग रहा है, ये डेल्टॉइड मसल के अंदर लग रहा है, यहाँ पे अपने टू फिंगर्स आपने यहाँ पे प्लेस करनी है और उसके नीचे जो एरिया होता है वी एरिया, दैट इज़ द इंजेक्शन साइट, तो डेल्टॉइड में देने के लिए ये एक टेक्निक आपने यूज़ करनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाइए स्टेप नंबर 15, लोकेट द करेक्ट साइज यूजिंग लैंडमार्क्स एंड क्लीन एरिया विद अल्कोहल और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ठीक है, तो आपने उस एरिया को अल्कोहल स्वैब या फिर एंटीसेप्टिक स्वैब के साथ या स्पिरिट स्वैब के साथ आपने उस एरिया को क्लीन करना है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अलाउइंग द साइट टू ड्राई, ठीक है, वो एरिया जो है वो ड्राई हो जाएगा और इंजेक्शन देने के लिए रेडी हो जाएगा, एक तरह से क्लीन कर रहे हो आप उस एरिया को, ठीक है। देन प्लेस अ क्लीन स्वैब और ड्राई गॉज बिटवीन योर थर्ड एंड फोर फिंगर, ठीक है, थर्ड एंड फोर फिंगर के बीच में इस तरह से आपने जो है वो प्लेस करनी है गॉज, ठीक है, सो दिस अलाउज फॉर ईजी एक्सेस टू ड्राई गॉज आफ्टर द इंजेक्शन, ठीक है, ड्राई गॉज को आप मतलब ईजिली आपके हाथ में होना चाहिए, तो ड्राई गॉज है ये आपने क्यों लेना है, इंजेक्शन देने के बाद उस पर्टिकुलर साइट पे रखना है, तो साइट पे इंजेक्शन देने के बाद ड्राई गॉज लेना है आपने, स्पिरिट वाला गॉज नहीं लेना, ठीक है। देन है रिमूव द निडल कैप बाय पुलिंग इट स्ट्रेट ऑफ द निडल, होल्ड सिरिंज बिटवीन थंब एंड फोर फिंगर, इस तरह से थंब और फोर फिंगर के बीच में सिरिंज को पकड़ना है और
उसको जो उसकी कैप होगी निडल के आगे उसको आपने ऐसे ओपन करना है, राइट। देन विद नॉन डोमिनेंट हैंड होल्ड द स्किन अराउंड द इंजेक्शन साइड, ठीक है। इंजेक्शन साइड के अराउंड आपने स्किन को होल्ड करना है जिससे कि आपको एरिया ऑफ इंजेक्शन जो है वो क्लियरली पता चल जाता है। देन विद द डोमिनेंट हैंड इंजेक्ट द निडल क्विकली इन टू द मसल एट अ 90 degree एंगल यूजिंग अ स्टेडी एंड स्मूथ मोशन। 90 degree एंगल के अंदर आपने जो निडल है वो इंसर्ट करनी है, ठीक है, इस तरह से। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, आफ्टर द निडल पियर्सेस द स्किन यूज द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द नॉन डोमिनेंट हैंड टू होल्ड द सिरिंज, ठीक है। तो सिरिंज को आपने इस तरह से नॉन डोमिनेंट हैंड से पकड़ना है। एक सेकेंड, अभी बताते हैं फिर से। ठीक है, सिरिंज को आपने नॉन डोमिनेंट हैंड से पकड़ना है, ठीक है, जैसे ही आपने निडल को अंदर इंसर्ट कर दिया होगा नॉन डोमिनेंट हैंड के साथ, ठीक है। देन एस्पिरेट करना है, ठीक है, फिर आपने एस्पिरेट करना है सिरिंज को। ये देखिए पीछे की तरफ को जो इंजेक्शन लगा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये पीछे की तरफ को खींच रहे हैं प्लंजर को, ठीक है। 5 seconds के लिए खींचना है और देखेंगे अगर ब्लड वहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे अगर ब्लड आ जाएगा ऊपर तो दैट मीन्स कि आपने गलत जगह पे इंजेक्शन लगाया, फिर आपको साइट चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एस्पिरेट करेंगे आप इन केस ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। सो वंस मेडिकेशन इज कम्प्लीटली, उसके बाद एस्पिरेट करने के बाद आपने मेडिसिन को, अगर सपोज ब्लड नहीं आया तो आपने उस प्लंजर को नीचे की तरफ को पुश कर देना है धीरे धीरे और मेडिसिन जो है वो इंजेक्ट कर देनी है, ठीक है। जब मेडिसिन जो है इंजेक्ट हो जाएगी देन रिमूव द निडल यूजिंग अ स्मूथ स्टेडी मोशन। रिमूव द निडल एट द सेम एंगल एट विच इट वॉज इंसर्टेड, जिस एंगल पर इंसर्ट किया था उसी एंगल से उसको सीधा बाहर निकालना है, ठीक है। देन कवर इंजेक्शन साइट विद द स्टेराइल गॉज। अब आपने जो हाथ में गॉज पकड़ा हुआ था ड्राई गॉज, उसके साथ आपने इंजेक्शन साइट को कवर करके थोड़ा प्रेशर वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन प्लेस सेफ्टी शील्ड ऑन निडल एंड डिस्कार्ड सिरिंज इन अप्रोप्रिएट शार्प कंटेनर, ठीक है। ये सेफ्टी शील्ड जो है कुछ हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है, तो आपने क्या करना है निडल को सेफ्टी शील्ड में डाल के फिर जो शार्प कंटेनर होगा आप उसके अंदर डिस्पोज ऑफ कर दोगे सिरिंज को, निडल को, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या करना है आपने, अगर आपके पास ये डिस्कार्ड करने के लिए कंटेनर पास में नहीं है तो आप सेफ्टी शील्ड में डालेंगे इसको, मतलब आप दोबारा से उसको रीकैप कर सकते हो। रीकैप करने के बाद नर्सिंग स्टेशन में जाके आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दोगे। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल पॉलिसी, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप है डिस्कार्ड सप्लाईज, रिमूव ग्लव्स एंड परफॉर्म हैंड हाइजीन, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ आर्टिकल करना है सारा का सारा, देन हैंड जो है अपने फिर से वॉश करने हैं, देन यू आर डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर एज पर द एजेंसी पॉलिसी, ठीक है। सो दिस वॉज द, उसके बाद अभी ये यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता है, आपने इंजेक्शन लगाने के बाद पेशेंट को कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्व करना है कि उसको इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ मतलब सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, जैसे कि उसको इंजेक्शन साइड पे पेन तो नहीं है या वहाँ पे कुछ पर्पल डिस्कलरेशन तो नहीं होगी जिसे हम ब्रूजिंग बोलते हैं, या फिर कोई बर्निंग हो रही है, या फिर उसको कोई वहाँ पे नंबनेस फील हो रही है इंजेक्शन साइट पे, तो उसके लिए आपने चेक करना है और अगर ऐसा कुछ प्रेजेंट है तो आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। देन नेक्स्ट कम्स एडमिनिस्ट्रिंग अ जेड ट्रैक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। अब डेल्टॉइड में तो हमने लगा दिया, ठीक है, जेड ट्रैक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो हमने लगाना है, उसके लिए स्पेसिफिक स्किल्स आपको चाहिए, ठीक है, जेड ट्रैक के लिए। तो जेड ट्रैक के लिए भी आपके जो सारे के सारे सेफ्टी कंसिडरेशन है वो सेम है जो हमने ऊपर डेल्टॉइड मसल के लिए फॉलो करे थे, ठीक है। जेड ट्रैक जो है टेक्निक जो है वो हम IM इंजेक्शन के लिए ही यूज़ करते हैं, और ये हम क्यों यूज़ करते हैं जेड ट्रैक मेथड, ये हम तब यूज़ करते हैं ताकि सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर मेडिसिन जो है वो लीक ना हो जाए, ठीक है, और प्लस जो स्किन मसल्स हैं वहाँ पर मेडिकेशन से कोई इरीटेशन ना हो या सबक्यूटेनियस लेयर में मेडिसिन से कोई इरिटेशन ना हो, इसलिए हम जेड ट्रैक टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आपका हैंड वॉशिंग, देन सेकंड सेम है आपका स्टेप ऊपर वाले की तरह जो हमने डेल्टॉइड मसल में किया कि MAR चार्ट के साथ हमने पेशेंट का रिस्टबैंड जो है वो क्रॉस चेक करना है। देन थर्ड स्टेप इज़ ऑल्सो सेम, फोर्थ स्टेप इज़ ऑल्सो सेम जो भी हम डेल्टॉइड के लिए करा है, फिफ्थ स्टेप इज़ ऑल्सो सेम, सिक्स स्टेप इज़ ऑल्सो सेम, सेवेंथ एंड एट्थ स्टेप, नाइन स्टेप, ये सारा यहाँ तक सेम है, ठीक है। 11th step से आपने स्टार्ट करना है जब हमने जेड ट्रैक मेथड किया, ठीक है, तो ऊपर तक सारे स्टेप्स जो हैं वो आपके सेम है डेल्टॉइड मसल को जब हमने फॉलो किया है स्टेप्स। देन 11th step है आपका परफॉर्म हैंड हाइजीन, देन 12th है क्लोज कर्टेन्स और डोर टू प्रोवाइड प्राइवेसी टू द क्लाइंट,
देन 13th स्टेप इज ऑल्सो सेम विद वॉट वी हैव डन इन द डेल्टॉइड मसल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. देन 14 एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट. ठीक है. 15 है नॉन स्टराइल ग्लव्स आपने पहनने हैं. ठीक है. और शार्प डिस्पोजल कंटेनर जो है वो अपने पास में रखना है. 16 नंबर स्टेप है आपका यूज लोकेट करेक्ट साइड यूजिंग लैंडमार्क. ठीक है. एंड क्लीन द एरिया विद अल्कोहल और एंटीसेप्टिक स्वैब अलाउ साइड टू ड्राई कम्प्लीटली. प्लेस अ क्लीन स्वैब और ड्राई गॉज बिटवीन योर थर्ड एंड फोर्थ फिंगर. देन रिमूव नीडल कैप बाय पुलिंग इट स्ट्रेट ऑफ द नीडल. इस तरह से होल्ड करना है. ये देखिए बेटा स्टेप नंबर 18 तक सारे स्टेप सेम हैं जो भी हमने डेल्टॉइड मसल के अंदर इंजेक्शन लगाने के लिए स्टेप्स पढ़े थे. ठीक है. वो सारे सेम हैं जेड ट्रैक टेक्निक में भी. तो 19 स्टेप अब हमने फॉलो करना है. जेड ट्रैक के लिए क्या करोगे आप. डिस्प्लेस द स्किन इन अ जेड ट्रैक मैनर बाय पुलिंग द स्किन डाउन और टू वन साइड अबाउट 2 सेंटीमीटर. ठीक है. ये देखिए नीचे की तरफ को. वेट आई एम शोइंग यू हियर. ये देखिए नीचे की तरफ को हाथ के साथ स्किन को पुश करना है. ठीक है. और नीचे की तरफ को और पीछे की तरफ को एक्सट्रैक्ट करना है. ठीक है. तो लोअर एंड बैकवर्ड जो है स्किन को आपने मूव करना है. ठीक है. विद नॉन डोमिनेंट हैंड. ठीक है. और डोमिनेंट हैंड से आपने सिरिंज को जो है वो पकड़ के अंदर इंजेक्ट करना है. ठीक है. देन विथ स्किन हेल्ड टू वन साइड क्विकली इंसर्ट निडल एट 90 degree एंगल जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है. आफ्टर निडल पियर्सेस द स्किन कंटिन्यू पुलिंग ऑन द स्किन. जैसे ही निडल स्किन के अंदर आप इंजेक्ट कर रहे हो तो आपने स्किन को पीछे की तरफ को पुल करते रहना है दूसरे नॉन डोमिनेंट हैंड के साथ. एंड एट द सेम टाइम ग्रास्प लोअर एंड ऑफ द सिरिंज बैरल विथ फिंगर्स ऑफ नॉन डोमिनेंट हैंड टू स्टेबलाइज इट. ठीक है. एक तरफ से इसको पुल करना है फिर सिरिंज के बैरल को पकड़ लेना है ताकि वो एक तरह से क्या हो जाए इमोबिलाइज हो जाए या स्टेबलाइज हो जाए. ठीक है. देन मूव डोमिनेंट हैंड टू द एंड ऑफ द प्लंजर. ठीक है. जो डोमिनेंट होगा उससे आपने प्लंजर को मूव करना है. राइट. वंस द मेडिकेशन इज गिवन लीव द निडल इन प्लेस फॉर 10 seconds. जब आपने इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया अंदर तो 10 seconds के लिए आपने उसको अंदर ही रहने देना है निडल को एंड अवॉइड मूविंग द सिरिंज. ठीक है. Once medication is completely injected, remove the needle using a smooth, steady motion. ठीक है. Smooth, steady motion के साथ आपने जो है वो syringe को move करना है. ठीक है. Like this. So withdraw the needle, then release the skin and the injection track seals as the skin is released. जैसे ही आपने needle को पूरा बाहर निकाल लिया तो आपने अपना हाथ को भी हटा लेना है. ठीक है. इससे क्या होगा जो इंजेक्शन ट्रैक्ट होगा वो सील हो जाएगा पूरा का पूरा. ठीक है. और इंजेक्शन जो है वो लीक नहीं होगा सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर. देन कवर द इंजेक्शन साइट विद स्टराइल गॉज यूजिंग जेंटल प्रेशर. ठीक है. फिर आपने इंजेक्शन साइट को स्टराइल गॉज के साथ जेंटल प्रेशर के साथ कवर कर देना है. ठीक है. देन बाकी के स्टेप्स जो है वो आपके सेम है जेड ट्रीक के अंदर ट्रैक टेक्निक के अंदर. सिर्फ तरीका है ये कि किस तरह से नॉन डोमिनेंट हैंड के साथ आपने स्किन को नीचे की तरफ को पुश करके पीछे की तरफ को बैकवर्ड पुल करना है. ठीक है. टू लॉक द मेडिकेशन इन द इंजेक्शन एरिया. राइट. सो आई होप दिस मेथड ऑफ आई एम इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन इज वेल अंडरस्टूड बाई यू ऑल. लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. बाकी वेन वंस द कॉलेज इज रीओपन आई विल गिव डेमोस्ट्रेशन फॉर दीज प्रोसीजर्स ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस. थैंक यू सो मच.